मुंबई, मुंबई ये एक महानगरी है, मुंबई सपनों का शहर है, मुंबई में बॉलीवुड के नाम पर इतना ज़्यादा जो है वो क्रेज़ है लोगों का कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। काफ़ी लोग तो मुझे मैसेज करते हैं, सर आप बॉम्बे में रहते हैं, मुझे बॉम्बे में आना है। हालांकि बॉम्बे अब मुंबई हो चुका है, फिर भी कुछ लोग हैं जो बेचारे आना चाहते हैं और मैं जानता हूँ कि वो बेचारे कितना ज़्यादा तरसते हैं। लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ एक ऐसे हैं जो कि बॉलीवुड की दुनिया को, इस शोबिज़ की दुनिया को, इस फेम की दुनिया को छोड़कर जाना चाहते हैं और अल्लाह के रास्ते को अपनाना चाहते हैं। ऐसी में पहली जो एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी बॉलीवुड की और जो बिग बॉस की भी फेम थी, सना खान। जी हाँ, सना खान ने, आपको पता होगा कि बॉलीवुड छोड़ दिया उन्होंने और उन्होंने अल्लाह का जो रास्ता अपना लिया, उसके बाद उन्होंने शादी कर ली किसी मौलाना से। अब दोस्तों एक और एक्टर है जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा तो आप चकित रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी केम शो के रोहाल का सिकाय, मैं हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर ले नोटिफिकेशन के लिए। इनकी तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे दोस्तों, रोडीज में आपने इनको देखा है और रोडीज में ये एक मॉडल के रूप में आए थे, उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेम पाया। दूसरी तस्वीर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर मॉडलिंग करते हुए, यहाँ पर ब्लेजर वगैरह के एकदम झकास लुक में हम कह सकते हैं जो मॉडलिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर एक्टर बनने के लिए आए थे। लेकिन अब उन्होंने जो इंस्टाग्राम पर तस्वीर डाली है वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। यहाँ पर वो सफ़ेद कलर के एक कुर्ते पजामे में खड़े हैं और उसके बाद उनके हाथ में कुरान है और वहाँ पर वो इंस्टाग्राम पर लिखते हैं कि मैं इस शोबिज़ को छोड़ रहा हूँ और आज से मैं किसी भी बॉलीवुड में ना मॉडलिंग करते दिखूंगा ना कहीं एक्टिंग करते हुए दिखूंगा, मुझे माफ़ करना दोस्तों कुछ गलती हुई हो, सबसे पहले हेलो दोस्तों वगैरह सब लिख के उन्होंने काफ़ी बड़ा कुछ लंबा सा लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं भटक गया था और अब मैं अल्लाह के रास्ते पर जा रहा हूँ। ऐसे में दोस्तों क्या आप साकिब खान के इस इरादे से, इस जो फैसले से क्या आप खुश हैं या फिर आप उनको और बॉलीवुड में देखना चाहते थे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन, टेक केयर एंड गुड बाय।